यूजी परीक्षा परिणाम पर युवाओं का गुस्सा। बीएचयू सिंहद्वार पर किया विरोध, कहा नीट परीक्षा परिणाम को रद्द किया जाए। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर वाराणसी में तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूट गया। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्रों ने भू सिंह द्वार पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा को निरस्त किया जाए। छात्रों ने करीब एक घंटे तक जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेजा। एनटीए द्वारा गड़बड़ी करने का लगाया आरोप। कृतिक राज ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें करीब 13 लाख छात्र पास हुए। वहीं इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 67 छात्रों को रैंक एक हासिल हुई। वहीं एक ही सेंटर से 8 छात्रों को 720 में से 720 नंबर हासिल हुए। उन्होंने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है, इसलिए छात्र इस परीक्षा में अव्वल होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 3 दिन पहले यानी कि 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। नतीजों के सामने आने के बाद से कई छात्र काफी नाराज दिख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बवाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वे नीट रिजल्ट पर गुस्सा जता रहे हैं और अपने पोस्ट में एनटीए को टैग कर रहे हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि इस बार की नीट यूजी परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई हैं, जिस कारण एक्स पर नीट परीक्षा रद्द करो हैशटैग की बाढ़ आ गई है। पढ़ाता हूं, मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कराता हूं। किस प्रकार के एनटीए का जो रिजल्ट आया है नीट का, आज तक इस तरीके का रिजल्ट कभी नहीं आया। पहली बार ग्रेस मार्क दिया गया, जो सरासर बेईमानी है। कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं, जो हो ही नहीं सकते। एक ही सेंटर के 6-7 बच्चों के 720 में 720 हरियाणा में आए हैं। ये सीधे से दर्शाता है कि बेईमानी बड़े पैमाने पे की गई। पटना में पेपर आउट हुआ, जाँच भी ढंग से नहीं हो रही है। गवर्नमेंट और एनटीए, ये एग्जाम्स देश का भविष्य है, और देश का भविष्य है तो 24 लाख डॉक्टर में भी बेईमानी करना, तो ऐसे हम देश समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी छींच से जांच कराए, दोबारा एग्जाम कराए। बच्चों में असंतोष है, वो आत्महत्या के लिए अनुमति मांग रहे हैं, उनके भविष्य का विषय है। 2-3 साल तैयारी करते हैं, सभी में संतोष है। हमारा नाम कृतिक राज है और हमने नीट में 695 अंक पाए हैं और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3473 है। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का 718, 719 अंक भी आए हैं। एनटीए का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स के केसेस आ रहे हैं जिनका कोई थोड़ा ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। एनटीए कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे एनटीए के ऑफिशियल्स और एनटीए की घड़ी नहीं थी, जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहाँ से आती है? और इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? काफ़ी राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी और एनटीए लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफ़ी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, एफआईआर दर्ज हुई है, और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था, और फिर भी एनटीए चुप है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिशियल नोटिस में भी सीधे सीधे कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है, और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पेपर का कॉम्पिटिटिव नेचर है, इस कारण से अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सीधे 2 से 67 ऑल इंडिया रैंक, वो भी सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, एक ही सेंटर से देखे गए हैं? क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपने सरकार से, अपने सांसद तथा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि वे इस पे जल्द से जल्द एक बड़ी कमेटी बैठाएं, जो कि इसके विषय में संपूर्ण जांच करे तथा सारी बात को तह तक निकाले कि यहाँ पर एनटीए ने क्या फ्रॉड किया है देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ, तथा हम सबको उचित न्याय मिले और ढंग से सारे आरोपियों पर
जांच करने के बाद हमें एक रीनीट भी चाहिए, क्योंकि जो जितना भी अन्याय हुआ हम लोगों के साथ ये बहुत ही पेचीदा है तथा एक रीनीट ही उचित उपाय है जिसके माध्यम से हम सब वापस से खुद की काबिलियत को इस नीट परीक्षा में दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस स्तर पर फ्रॉड हुआ है उसने पूरे देश को नीट परीक्षा में बहुत बुरी तरह से आघात किया है। हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है जो हमारे साथ इस बीच पिछले 2-3 महीनों में नीट के परीक्षा से हुआ है। नीट ने एनटीए ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडो को खोला, पेपर लीक को नकारा और अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला जिससे हमारी बात को दबाया जा सके, मीडिया में इस बात को छुपाया जा रहा है। एनटीए को जवाब देना होगा।